दिग्रस्त तथा पुसद में बीती 22 जुलाई से जारी हुए कर्फ्यू की मियाद 28 जुलाई थी, जो अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इस संबंध में जिला अधिकारी द्वारा जारी परिपत्रक में जानकारी दी गई है। कोरोना संक्रमण का संकट जैसे जैसे गहरा रहा है, वैसे वैसे हर देश और राज्य के सरकारों की चुनौतियां बढ़ रही है। दिग्रस शहर में सोमवार को जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 था, ऐसे में मंगलवार को एक पॉजिटिव मामले की बढ़त हुई, तो वही मंगलवार को ही 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने पॉजिटिव से निगेटिव में तब्दील होकर घर वापसी की है, जिसमें काजीपुरा के 8 और गांधीनगर के एक मरीज का समावेश है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को सामने आया एक पॉजिटिव मामला तहसील के किसी ग्रामीण इलाके से संबंधित बताया जा रहा है। फिलहाल तहसील में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। मालूम हो कि बीते 22 जुलाई को यवतमाल जिलाधिकारी एमबीसीएन ने पुसद और दिग्रस तहसील के लिए 7 दिन के कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। ऐसे में बुधवार 28 जुलाई को कर्फ्यू से निजात मिलने ही वाला था कि 27 जुलाई को दोबारा नया परिपत्रक जारी किए जाने से लोग सकते में आ गए। नए परिपत्रक के तहत आगामी 30 जुलाई तक कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। सूचना सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येत आहे की माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यवतमाळ यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण दिग्रस तालुक्यामध्ये 3 दिवसासाठी संचारबंदी वाढवण्यात आली आहे। 31 जुलैपर्यंत यामध्ये काय काय सुरू राहील, ग्राहकांसाठी पेट्रोल पंप सकाळी 10 ते 2 पर्यंत, ग्राहकांसाठी इमर्जन्सीसाठी पेट्रोल पंप 24 तास सेवा, घरगुती गॅस घरपोच सेवा सकाळी 10 ते 2 पर्यंत, कृषी केंद्र रासायनिक खतेची दुकाने गोडाऊन सकाळी 7 ते 12 वाजेपर्यंत सुरू राहील, स्वस्त धान्य दुकाने कंट्रोल सकाळी 7 ते 12 वाजेपर्यंत सुरू राहील, बँक ग्राहकांसाठी सकाळी 10 ते 2 वाजेपर्यंत सुरू राहील, भाजीपाला फ्रूटच्या हात गाड्या कॉलनी गल्लोगल्ली चालते फिरते सकाळी 7 ते 12 वाजेपर्यंत सुरू राहील, दूध सकाळी 7 ते 10 आणि सायंकाळी 7 ते 8 पर्यंत चालते फिरते दूध व्यवसाय सुरू राहील, बाकीच्या इतर दुकाने बंद राहील याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी। सहकार्य करा, उल्लंघन कोणीही करू नाही। एक तरफ जनता की सुरक्षा के तहत कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से प्रशासन कड़े इंतजाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कर्फ्यू और लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने से लोग हताश है। लोगों को उम्मीद है जिला प्रशासन जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द सहूलियत प्रदान करेगा। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।